1800 11 4000, यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। सीएनबीसी आवाज आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आया है जिसने हर कंज्यूमर को परेशान कर दिया है। ये है बैंकों का रिकवरी के मामले में दादागिरी। बैंक लोन दे रहे हैं, उन्हें लोन वापस भी मिलना चाहिए, इसे लेकर किसी को एतराज नहीं है। लेकिन बात तब उठती है जब बैंक इस रिकवरी के लिए दादागिरी पर उतारू हो जाते हैं। इसे लेकर कंज्यूमर तो परेशान है ही, लेकिन लीगल फ्रेटर्निटी से लेकर के न्यायपालिका, आरबीआई सभी उंगली उठा रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस हद तक पहुंच गया है कि कई लोग अपनी जान ही गंवा रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे, लोगों की राय लेंगे, लेकिन साथ में हमारे साथ इस शो में जुड़ेंगे कुछ बहुत ही खास मेहमान भी। चलिए जानते हैं कौन कौन है मेरे साथ इस शो में। जस्टिस एम बी शाह है, चेयरमैन है नेशनल कंज्यूमर रेडरेसल कमीशन से। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। और साथ में हमारा यहाँ पर साथ देंगे पीएच पारेख, जो है प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, और प्रोफेसर श्रीराम खन्ना, कंज्यूमर एक्टिविस्ट और मैनेजिंग एडिटर कंज्यूमर वॉइस नाम की मैगजीन के से, जो हमेशा कंज्यूमर के मुद्दों को सामने लाते रहते हैं। इन सब से बातचीत करेंगे, साथ ही हमारे साथ ऑडियंस भी हैं जो अपने सवाल रखेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कहानी, कहानी उस शख्स की जिसका नाम है प्रकाश सर्वंकर, और ये वो कहानी रही जो पिछले हफ्ते पूरे समय सुर्खियों में छाई रही। प्रियंका सर्वंकर की जिंदगी का प्रकाश ही छिन गया है। पति प्रकाश सर्वंकर की आत्महत्या से प्रियंका की जिंदगी मझधार में फंस गई है। उन पर 3 बच्चियों को पालने का बोझ भी है। 17 सितंबर को रिकवरी एजेंट 50,000 रुपए की वसूली के लिए उनके घर आने वाले थे और उस दिन प्रकाश रिकवरी एजेंट की धमकियों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने कहा भी था सुसाइडल नोट में कि तुम कुछ भी करो, आत्महत्या करो, तो उसने एक लिखा है कि वो मैंने इसलिए आत्महत्या की। प्रकाश की आत्महत्या के 2 दिन पहले रिकवरी एजेंट उनके घर आ धमके, परिवार के साथ बदसलूकी की और सीडी प्लेयर उठाकर ले गए। बेरोजगार प्रकाश परेशान हो गया और इस चिंता में डूब गया कि आखिर वो करे तो क्या करे। जब भी दिया लोन ना उसने उसको, तो काम पे नहीं था ना, कुछ तर्ज करके ही दिया होगा ना सामने वाले ने, तो कैसे दिया, तब भी नहीं देने का था ना। अभी इतना तो प्रॉब्लम नहीं होता, अभी मेरे बच्चे लोग का सहारा भी निकल गया ना। प्रकाश सर्वंकर की तरह ही दिल्ली के हिमांशु शर्मा ने भी 3 साल पहले रिकवरी एजेंट की धमकियों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। बाइक चलाने की ख्वाहिश थी जिसके लिए हिमांशु ने लोन लिया था और वो उसे चुका नहीं पाए। रिजर्व बैंक कर्ज वसूली के मामले पर साफ साफ गाइडलाइंस बना चुका है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेकर कंज्यूमर कोर्ट के कई फैसलों में रिकवरी के गलत तरीकों के लिए बैंकों को चेतावनी दी गई है। प्रकाश सर्वंकर के मामले में सीएनबीसी आवाज की मुहिम के बाद प्रशासन और बैंक भी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जगाने के लिए लोगों की जिंदगी की कीमत क्यों चाहिए। अर्चना शंकर, मुंबई। प्रकाश की जिंदगी का तो एक दुखद अंत रहा, लेकिन अभी भी इस तरह के कई मामले हैं जो समय समय पर आते रहते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले अपना सवाल रखती हूँ जस्टिस एम बी शाह के सामने। जस्टिस सर, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप जिस संस्था के साथ हैं वो कंज्यूमर के हित की रक्षा की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे प्राइम इंस्टीट्यूट है। इस तरह के जो मामले आते हैं, इसमें कंज्यूमर के आखिर राइट्स क्या होते हैं? जाहिर सी बात है, खुदकुशी तो अल्टीमेट आंसर नहीं है, उनके पास क्या राइट्स रहते हैं जब वो इस तरह की परेशानियों से गुजरते हैं? फर्स्टली ही हैज टू अप्रोच द पुलिस इफ देयर इज अ थ्रेट्स, कोई पर जाती धमकी मिले, गुंडागिरी का सामना करना पड़े तो पुलिस को FIR करनी चाहिए, दर्ज करनी चाहिए। FIR के अलावा भी कंज्यूमर कोर्ट में एक कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और इंटीरियम रिलीफ ले सकते हैं कि मेरी कार का पोजीशन न ले, मेरी पास दादागिरी करके मेरे पैसा वसूल ना करे, बिकॉज दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स हैव नो राइट टू यूज फोर्स।
जी, यानी कि सभ्य समाज की सारी सीमाओं को ये तोड़ते हैं, फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। पीएच पारिक साहब, आपसे जानना चाहूंगी, प्रकाश सरवंकर का जो मामला रहा उसमें आईसीआईसीआई बैंक एक गुड जेस्चर में उन्हें 15 लाख रुपए भी दे रहा है, तो अब फैमिली के पास क्या ऑप्शन रहते हैं? और आप इस 15 लाख का जो दिया जा रहा है एक मुश्त रकम, इसे आप किस नजरिए से देखेंगे? देखिए, मैं इसको कोई नहीं, कोई फेवर नहीं कर रही है बैंक। बैंक क्रिमिनल केस उनके सामने हो सकता है, 302 दफा उसके साथ 34 की दफा के वो सारे को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, उनके एजेंट को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, बैंक के हायर ऑफिसर को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। एक तो ये प्रोसिक्यूशन से बचना चाहते हैं, दूसरी जो मीडिया का जो गेज आप लोग जो काम करते हो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पहले तो सिर्फ अखबार में आता था, अभी जब टेलीविजन में लोग देते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है। जब मीडिया कोई भी मुद्दा अपने पास ले लेती है तो उसका असर उन पे होता है, क्योंकि वो डरते हैं कि उनका बिजनेस कम होगा, उनको तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर चाहिए, कैसे भी हर एक को फोन करके परेशान करते हैं, तो एक मीडिया से वो डरता है। तीसरा, ये देने में 10 लाख तो वो फिक्स डिपॉजिट में अपने आप आईसीआईसी बैंक अपने पास 10 लाख रखे हो, वो 5 साल के बाद देंगे और 5 लाख अभी देंगे। वो जो 10 लाख इसीलिए रखा है कि अभी उनके पास उनके वाइफ के पास ऑल सॉर्ट्स का कंसेशन लिखवा लेंगे कि हम आपके सामने क्रिमिनल केस नहीं करेंगे, हम आपके सामने कोई सिविल केस नहीं करेंगे, कोई कॉम्पनसेशन नहीं फाइल करेंगे। तो ये सब चीजों के बचने के लिए उन्होंने ये ऑफर किया है। सर, बात रिकवरी की ही नहीं है, इस मामले में ही नहीं है जिसमें कर्ज की बात रही, ऐसे भी बैंकों का रवैया आपने अभी 5-10 साल में क्या आप परिवर्तन देख रहे हैं? क्या लोगों को बैंकों से तकलीफ बढ़ती जा रही है? ये एक सीवियर प्रॉब्लम है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों को हजारों करोड़ का उधार ये दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, हाउसिंग लोन से, पर्सनल लोन से, कार लोन से, फर्नीचर लोन से, तरह तरह के लोन ये दे रहे हैं, और ये पैसा कमाने के लिए दे रहे हैं, ये कोई फेवर तो कर नहीं रहे हैं। और जो कंज्यूमर है वो मार्केट रेट पे आपको ब्याज देता है। जब 1,000 करोड़ रुपए जिसने आपसे बोरो किया है उसके घर तो किसी को भेज नहीं रहे हो आप, वो मर्सिडीज में घूम रहा है, और जिसने 50,000 रुपए लिए हैं उसके खिलाफ आप दादागिरी करोगे क्या? ये हमारे देश का के न्याय के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, और इसके लिए जिम्मेदारी रिजर्व बैंक के गवर्नर की है, क्योंकि रिजर्व बैंक का गवर्नर ही बैंक्स की रेगुलेशन करता है, और उनको ही इंश्योर करना पड़ेगा कि जो रिकवरी एजेंट्स हैं या तो हो ही ना, और या अगर हो तो वो उनसे परमिशन लेके जावें। आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, लेकिन शायद उन्हें सख्ती से उनका पालन नहीं हो पा रहा है। इसी वक्त हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी, और साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ऐसे लोग जिनकी कहानी हम सुनने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हमारा खास शो रिकवरी की दादागिरी। हम बात कर रहे हैं कि बैंक किस तरह जोर जबरदस्ती के साथ लोन वापस लेने के लिए उतारू हो जाते हैं, इस कदर उतारू हो जाते हैं कि लोग हिम्मत ही हार जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे साथ इस ऑडियंस में, सुनते हैं सुब्रत साहू और उनकी वाइफ नीरू साहू की कहानी। नीरू, बताइए क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को भी रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं? यस मैम, हम लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं, वो लोग घर पर आकर 7-8 लोग घर पर आ जाते हैं और हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब धमकाते हैं। अगर पैसा लेना है तो बोलेंगे अपना कुछ गोल्ड हमारे पास रखिए, तब हम आपके पास ही आएंगे दोबारा से सेकेंड टाइम, नहीं तो हम लोग अभी यहीं पर ही रुके हुए हैं, हम घर नहीं जाएंगे। और डोर को बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक करके पूरा हम लोग बोलेंगे हम पुलिस को कॉल कर लेंगे, आप क्या कॉल करेंगे, आपसे पहले हम कॉल करेंगे, इस तरह करके बहुत ज़्यादा धमकाते हैं। खन्ना जी, आपसे जानना चाहूंगे, एक तो इन्हें ज़बरदस्ती क्रेडिट कार्ड दिया, अब इन्हें जा करके धमका रहे हैं, ये खुद भी सेटलमेंट के लिए गए पर मना कर रहे हैं। हमारी ऑब्जेक्शन ये है कि छोटे और बड़े के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस तरह आप 500 करोड़ रुपए वाले से पैसा वसूल करते हो उस तरह 5,000 या 50,000 वाले से पैसा वसूल करो। ये दादागिरी जो है ये आम आदमी के अधिकारों का हनन है, और इसकी जिम्मेवारी बैंकों की तो है ही है, परंतु रिजर्व बैंक के गवर्नर रेड्डी साहब की है, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है पार्लियामेंट ने बनाई हुई कि बैंक इस तरह के हथकंडे ना इस्तेमाल करें। और उनके पास क्या ऑप्शन है मिस्टर पारिक, सुब्रतो के पास क्या ऑप्शन है? एक तो मैं उनको ऑफर करूंगा कि मेरे ऑफिस में आ जाए कल या परसों और मंडे, और मैं चाहूंगा कि एक बहुत ही नोटिस, लीगल नोटिस उनको दे दूं, और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम से नोटिस देंगे और कहेंगे कि यदि ये स्टॉप नहीं होगा तो हम क्रिमिनल केस फौरन
दायर कर देंगे और मैं उनको कहूंगा कि मैं बिल्कुल फीस नहीं लूंगा और जो कुछ भी कार्यवाही लेनी है वो मैं जरूर लूंगा। यानी ये लीगल कदम उठा सकते हैं, लेकिन बैंक जिस तरह से धमकी देते हैं वो कहां तक सही है? अगर यहां पर मैं नेशनल कंज्यूमर कोर्ट का एक मामला उठाना चाहूं जिसमें सिटी कॉर्प वर्सेस विजय लक्ष्मी का केस था जिसमें जस्टिस साहब ने ही जजमेंट दिया है, सर उसमें आपने जो साइट किया है वो अगर आप बता सकें तो कुछ मदद मिल पाएगी, क्योंकि एक बहुत ही अहम जजमेंट था वो। ऐसे देश में गुंडागिरी तो बहुत है और गुंडागिरी और बढ़ेगी जो ऐसे परमिशन दी जाएगी। तो रिजर्व बैंक का ऐसा दे मस्ट इंस्ट्रक्ट दैट नो मसल मैन शुड बी अपॉइंटेड और नो रिकवरी एजेंट शुड बी अपॉइंटेड। दे हैव टू अप्रोच द प्रॉपर लीगल फॉर्म बिकॉज वी आर बैंक्स और मनी लेंडर्स, वी वुड टेक लॉ इन अवर ओन हैंड्स। दिस इज नॉट परमिसिबल इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ। बिल्कुल, कानून को अपने हाथ पर नहीं ले सकते। यहाँ हमारे साथ ऑडियंस में प्रमोद हैं, जिनके साथ एक बहुत ही अजीब वाकया घटा। प्रमोद बताइए क्या हुआ आपके साथ? मैंने बाइक उनसे परचेज करी, डाउन पेमेंट मैंने 13,800 रुपए की डाउन पेमेंट बनती थी। मेरे से डीलर ने कहा आप अभी 10,000 रुपए दे दीजिए, 3,800 रुपए अगले महीने दे दीजिएगा। मैं कहा ठीक है, क्या नंबर तभी देंगे। मैं एक महीने बाद नहीं दे पाया किसी कारण, मैंने इन्फॉर्म भी कर दिया। उनने कहा आप गाड़ी सर्विस के लिए लाइए, उसने गाड़ी सर्विस के लिए ली और कहा आप पेमेंट दोगे तो देंगे। तो 15 दिन बाद मैंने वो पेमेंट दी, 700 रुपए इंटरेस्ट का भी दिया, लेकिन उसने उसके बाद भी मुझे गाड़ी नहीं दी। 3 महीने बाद जब मैं पुलिस स्टेशन गया कंप्लेंट करी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पुरानी गाड़ी ले लो नहीं तो नहीं में आप फंस जाओगे। मैंने पुरानी गाड़ी ली, वो बिल्कुल उसकी हालत खराब थी। गाड़ी ली उसके 3रे दिन मेरे पास कैपिटल ट्रस्ट से कुछ लोग आए, मैं घर पे नहीं था, और वो करने लगे कि आपके चेक बाउंस हैं, गाड़ी उठ जाएगी। वो फिर एक बार ऑफिस बुलाया और धोखे से गाड़ी उठा ली। मैं ऊपर था और जब नीचे गया कह रहे कि गाड़ी उठा ली हमने, गाड़ी पे कब्जा कर लेते हैं। बिल्कुल, अभी जस्टिस शाह भी बोल रहे थे कि आप इस तरह से कब्जा नहीं कर सकते हैं। पारिक साहब आपको क्या कहना है, इसमें किस तरह के केस दायर कर सकते हैं ये? इसमें ये तो एक क्रिमिनल ऑफेंस तो बनता ही है और इसमें डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। डैमेजेस के लिए हम जस्टिस शाह साहब के कोर्ट में जा सकते हैं, अदालत में, जो कंज्यूमर की हाईएस्ट कोर्ट है नेशनल, कितने हम पैसे क्लेम कर रहे हैं उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट फोरम है और नेशनल फोरम है, वहाँ हम जा सकते हैं। क्योंकि सिविल कोर्ट में मैं जाने की सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता है, कोर्ट फीस भी देनी पड़ती है, तो कंज्यूमर में अच्छा रहेगा। और क्रिमिनल करने से ही वो सीधा होंगे, वो सिविल से वो कुछ नहीं मानेंगे, उनके पास बड़े बड़े वकील होते हैं, खूब पैसा खर्च करेंगे। लेकिन एक और अहम बात जरा सुनते हैं, इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीईओ की बात सुनते हैं जिन्होंने प्रकाश सरवंकर के मामले में कहा है, क्या कहा है एच एस सिन्हा ने, सुनते हैं। आप कभी भी कहते हैं, कहीं भी शब्द एजेंट यूज करते हैं, उसका मतलब यह है इन लीगल टर्म्स के प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाती है और एजेंट की हर एक एक्टिविटीज को प्रिंसिपल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। श्रीराम खन्ना जी, आपको यहाँ लाना चाहूंगी, आपको क्या लगता है बैंक की जिम्मेदारी कितनी बनती है जब वो किसी रिकवरी एजेंसी को हायर करते हैं, कहाँ तक बनती है? देखिए, जैसे अभी आईबीए के ऑफिसर ने कहा प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ द एजेंट, एजेंट का अपना कोई अधिकार नहीं है, वो प्रिंसिपल के अधिकार के मतहत कुछ कर रहा है, और अगर कोई क्रिमिनल एक्ट है तो वो उसके लिए पर्सनली लायबल है। ये नहीं वो कह सकता जी मैंने अपने मालिक के लिए किया या प्रिंसिपल के लिए किया। और जैसे अभी कहा जा रहा है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, कचहरी में जाइए, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज दिल्ली की कचहरी में, बंबई की कचहरी में एक कंज्यूमर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए पारिक साहब 5-5 साल लग रहे हैं और 3-4 साल लग रहे हैं स्टेट कमीशन में, और शाह साहब की अदालत में भी 3-5 साल लग जाते हैं। तो क्या मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जाइए और मुकदमा कीजिए? मैं ये सलाह नहीं दे सकता, ये समझ लीजिए आप। प्रोफेसर श्रीराम के सवाल को मैं जस्टिस शाह के सामने भी रखना चाहूंगी। सर, इनका कहना है कि बहुत समय लगता है, क्यों कोई जाए कोर्ट, लेकिन आपका कहना है कि कोर्ट में आपको अल्टीमेट जस्टिस मिलेगी, इस डिले के पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? डिले के पीछे तो मेन रीजन है कि गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स of making appointment of a person who is competent to deal with the matters. Secondly, infrastructure deti nahi hai. Most of the state governments are not cooperating. Say Delhi state mein second
एडिशनल बेंच रखने के लिए प्रस्ताव रखा था, कोई सुनता ही नहीं है। धीमा है पूरा प्रोसेस जो है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। इनका शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी है, रेड्डी साहब की जो गवर्नर बने हैं उनके पास कानून है, वो करोड़ों रुपए का फाइन कर सकते हैं बैंक्स पे, ऐसे काम मत करिए। हर एक आदमी को आप छोटे छोटे मुकदमे में उलझाएंगे, ये बिल्कुल डिजायरेबल नहीं है। रेगुलेशन की जरूरत है, धीमे है कोर्ट, यहाँ समस्या रहती है। यहीं पर हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद कुछ और बातें होंगी इनसे जुड़ी हुई, कुछ और कहानियां भी सुनेंगे। हम अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हमारा खास शो रिकवरी की दादागिरी, जहां हम बात कर रहे हैं कि बैंक किस कदर से जोर जबरदस्ती कर अपने लोन की वापसी चाह रहे हैं। जोर जबरदस्ती भी इस सीमा तक कि इंसान मजबूर हो जाए कुछ ऐसे कदम उठाने के लिए जिससे उसकी जिंदगी भी चली जाए। हमारे साथ यहां पर खास मेहमानों का पैनल तो है ही, लेकिन है कुछ ऑडियंस जो अपनी आप बीती हमारे साथ बांट रहे हैं। संदीप शर्मा है, इनकी कहानी मैं सुनना चाहूंगी। संदीप बताइए। मैंने एक टाटा इंडिका इनसे फाइनेंस कराई थी 2005 में अप्रैल में, उसकी सारी किस्तें रेगुलर जा रही थी, 16 किस्तें में भर चुका था, बाकी 4 किस्तें इनकी ड्रॉप हो गई थी, वो भी रेगुलर ली नहीं, आगे पीछे ड्रॉप हुई थी, बाकी किस्तें जाती रही। तो इनका 10 दिन से काफ़ी फ़ोन आ रहे थे भी तुम अपनी गाड़ी की किस्तें जमा कर दो अन्यथा हम आपकी गाड़ी उठा लेंगे। मैंने कि कोई लिखित में लेटर दो, उसके बाद आप बात करना। मैं बाहर था, मेरे भाई के नाम है गाड़ी, वो भी बाहर थे। तो 29 मार्च में शादी थी मोदी नगर में, तो हापुड़ से गाड़ी मोदी नगर के लिए जा रही थी, वहाँ पर रास्ता बड़ा खतरनाक रास्ता है, वो वहाँ पे उन्होंने गाड़ी एल्टो से ओवरटेक किया और वहाँ भाभी को उतार दिया, मम्मी थी मेरी, दीदी थी और दो बच्चे थे, उतार के बाहर खड़ा कर दिया। और ड्राइवर ने सोचा कि शायद ये बदमाश हैं, ड्राइवर ने गाड़ी उनको नहीं दी। बिल्कुल संदीप, आपको यहाँ पे रोकते हैं, एक और कहानी लेते हैं, उनकी भी गाड़ी की ही कहानी है। मधुर जैन है यहाँ पर, मधुर बताइए। मैंने ICICI बैंक से कार लोन लिया, मेरी इंस्टॉलमेंट्स बिल्कुल ठीक चल रही थी, इस साल कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने की वजह से 2 महीने का डिले हो गया। तो मेरे घर पे इन्होंने रिकवरी एजेंट भेजे, अपने आप को बोलते हैं हम ICICI बैंक से आए हैं, 6 लड़के अलग अलग बाइक्स पे आके खड़े हो गए दरवाजे पे और तरह तरह की गालियां देने लगे और काफ़ी परेशान किया, फोन पे फोन करते रहते हैं और बार बार कभी एजेंट ऑफिस में कभी घर पे किसी न किसी को भेजते रहते हैं। फारिक साहब, आपको यहाँ लाना चाहूंगी, इनका मामला, इन्होंने पुलिस की धमकी दी, उन्होंने कहा पुलिस को हम ही बुला लेंगे, इससे ठीक पहले हमने साहू जी का मामला देखा, पुलिस को हम खुद ही बुला लेंगे, इनके तो FIR लिखने से मना कर दी। पुलिस का इन्हें कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है? पुलिस फोर्स बाय एंड लार्ज इतना करप्ट होता है कि जब धनी आदमी एक साइड में और गरीब आदमी दूसरी साइड में है तो वो कानून को नहीं पालते हैं। जब तक ये लोग जेल में नहीं जाएंगे, जब तक बड़े बड़े अफसर जेल में, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। सर एक और सवाल जल्दी से ले लेते हैं, यहाँ पर हरिंदर है, हरिंदर आप बताइए क्या हुआ आपके साथ। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया था 25 लाख रुपीज, ये लिया था पिछले साल अक्टूबर में, इसको मैंने मई तक रेगुलर इनकी इंस्टॉलमेंट दी, ECS क्लियर करवाता रहा और मैंने मई 19 को इनका टोटल अमाउंट क्लियर कर दिया 25 लाख रुपया और प्लस कोई 3.25 लाख रुपया इनका इंटरेस्ट दिया मैंने 25 लाख के ऊपर। 25 लाख में इन्होंने पहले तो 2% प्रोसेसिंग फीस काटी, 24.5 लाख दिया और 3.25 लाख रुपये मैंने इनको इंटरेस्ट दिया 7 इंस्टॉलमेंट्स में और मैंने इनको प्रिंसिपल अमाउंट क्लियर कर दिया। इसके बाद इनका लेटर आ गया कि 1,80,000 रुपया और हमारा बनता है प्रीपेमेंट पेनल्टी के तौर पर। मैंने कहा ये किस लिए है जी, आपने हमें लोन जल्दी वापस कर दिया इसलिए ये आपके ऊपर पेनल्टी है और इसके लिए आपको धमकी भरे फोन आने शुरू हो गए हैं। प्रोफेसर खन्ना, दादागिरी का एक ही जवाब है, वो जवाब है ईंट का जवाब पत्थर से। इन्होंने कहा थाने में जाइए FIR लिखाइए, FIR नहीं लिखे, लिख के उसको बोलो रिसीव करो, रिसीव नहीं करे रजिस्टर्ड पोस्ट से थाने के नाम प्रूफ रखो कि हमने ये आपने लिखा नहीं, फिर मैंने रिसीव नहीं दिया आपने इसलिए मैं पोस्ट से भेज रहा हूँ। बड़े अफसर से मिलिए और सबसे बढ़िया अगर आप अकेले नहीं लड़ पाते हैं तो एक और एक 11 हो जाइए। यहाँ पर जस्टिस शाह को मैं लाना चाहूंगी। जस्टिस शाह, आपको क्या लगता है कंज्यूमर फोरम को और कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है ताकि हरिंदर, मिस्टर साहू या प्रमोद जैसे केसेस को और भी मजबूती मिल दे? देखो कंज्यूमर फोरम्स को तो इफेक्टिव तो बनाना ही चाहिए, फिर भी
कि तो गवर्नमेंट का फंक्शन है कि दिस टाइप ऑफ रिकवरी शुड बी प्रोहिबिटेड, गुंडागिरी कैन नॉट बी एनकरेज, अदरवाइज देर वुड बी लॉलेसनेस इन द सोसाइटी. देयरफॉर इट गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन एंड प्रोहिबिट द बैंक्स, मनी लेंडर्स और फाइनेंशियर्स फ्रॉम यूजिंग द मसल मैन और रिकवर सो कॉल्ड रिकवरी एजेंट्स. जी सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी अहम बातों को बताने के लिए. उम्मीद करते हैं कि कंज्यूमर आपकी बातों को सुनकर थोड़ा और जागरूक होगा और शायद सरकार भी कंज्यूमर फोरम को और इफेक्टिव बनाए. साथ ही आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए. उम्मीद करते हैं कि ये दादागिरी कहीं ना कहीं रुके और कंज्यूमर्स को राहत मिले, हो सकता है हमारे ही शो के जरिए. आज के लिए इतना ही, नमस्कार.